Hello, students of class seventh. A uh, now in this video, I welcome all of you. In this video, I am going to discuss your chapter four, that is light energy. So I have divided this chapter into two segments. In this video, I will be discussing the topics which are given below. In the next video, you will get get the uh, further details of the chapter. So now, without uh, making taking too long, I will start. योर चैप्टर सो फर्स्ट आई विल डिस वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें यही पढ़ना है वॉट डज लाइट एनर्जी मीन्स सो लाइट एनर्जी हमारी वो एनर्जी जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं इफ़ अगर जो लाइट एनर्जी नहीं होगी दैन वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स सो डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है लाइट एनर्जी इज द एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी यहाँ पे सी मिसिंग है एस डबली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड एस ना लाइट एनर्जी जो है हमारी रेज के फॉर्म में चलती है इस तरह से ये हमारी लाइट रेज होती हैं सो लाइट एनर्जी हमारी इन छोटी रेज के फॉर्म में चलती है दीज लाइट रेज अंडर गो डिफरेंट फिन लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड रिफ्रैक्शन यू विल बी गोइंग टू स्टडी इन द हायर क्लासेज नो लाइट रे जो है हमारी सेवन कलर से मिली है उन कलर्स को हम लोग किससे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में विप से वी स्टैंड फॉर वॉयलेट then i stands for indigo then b stands for blue then we have green g g for green and then y y for yellow then we have o o means orange then finally we have r r means red so these are the seven colors uh, from which light rays are made नाउ लाइट रे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ थ्री लैख किलोमीटर्स पर आर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर ये थ्री लैख किलोमीटर्स अब यू नो वन किलोमीटर की डिस्टेंस यू कैन इमेजन कितना बड़ा होता है एंड उसमें भी थ्री लैख किलोमीटर इन वन सेकेंड सो इट्स सच अग नंबर सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट रे हमारी आ रही है ये इंसिडेंट हुई है पॉइंट पी पे एंड ये हमारा मिरर है ये सिंपल बोलें सरफेस है हमारा एंड यहाँ से ये यह वापस अपने ही मीडियम में चली गई है सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन नाउ अगेन आई विल डिफाइन रिफ्लैक्शन एज वेन लाइट रे कम्स एंड स्ट्राइक्स एट द सर्फेस ऑफ स्ट्राइक्स एट अ सर्फेस इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू इट्स ओन मीडियम दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन सो अगेन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक इंसिडेंट रे आई स्ट्राइक करी एंड फिर रिफ्लेक्ट होकर अपने ही मीडिया में वापस चली गई सो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ओके सो नाउ वी विल हैव सम समेफिनेशन ओवर एयर ये जो हमारी लाइट है जो इंसिडेंट होती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे सो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन होगी द लाइट विच स्ट्राइक्स ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे ऑल दिस डेफिनेशन आई विल बी गिविंग इन यू रिटर्न

तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी उस पर हम एक प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो लाइन है ना उसके परपेंडिकुलर हम एक ड्रॉ करेंगे इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल सो अगेन सो नॉर्मल की डेफिनेशन जो होती है इट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन नॉर्मल नाउ इंसिडेंट रे सॉरी इंसिडेंस एंगल सो दिस एंगल इज़ नोन एज इंसिडेंस एंगल तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज़ कॉल्ड इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो ये हमारा आर है सो so, आर किन किन दो चीज़ों के बीच बना है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच सो so, आर को हम डिफाइन करेंगे द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर अगेन इंसिडेंट रे वो रे जो हमारी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी आके रिफ्लेक्टेड रे वो रे जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दूर की तरफ जाती है नाउ नॉर्मल क्या है कि जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल नाउ इंसिडेंस एंगल एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस an angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. so now moving ahead, we have two types of reflection. first is ye aapka isko hum log regular reflection bolte हैं regular reflection regular reflection. so regular reflection में क्या होता है आप देख सकते हैं light rays हमारी आ रही हैं and reflect होने के बाद सारी parallel हो जाती हैं parallel so this is known as regular reflection so now i will define it if reflected rays are parallel to each other sorry if reflected rays are parallel to each other then this type of reflection is called as regular reflection now we will see other type of that is diffused reflection or diffused ref reflection or you know uh, सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमारा क्या होता है आप देख सकते हैं लाइट रे हमारी सारी पैदल आई ये जो ब्लू कलर लाइन है ये सारी लाइट्स लाइट रेज हैं ये इंसिडेंट हैं एंड रिफ्लेक्ट होकर जो रिफ्लेक्टेड है हमारी वो रेड है सो so, देख सकते हैं सारी रेड जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनका डायरेक्शन रैंडमली ओरियंटेड है मतलब दे आर नॉट गोइंग पैदल टू ईच अदर कोई भी डायरेक्शन उन्होंने चूज़ कर लिया एंड दे आर इंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन सो अल्टीमेटली यहाँ पर ये यह सारी की सारी पैदल नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन और ये हमारा कहाँ से होता है रफ़ सर्फेस से ये सर्फेस जो है हमारा ना रफ़ है रफ़ का मतलब उबड़ खाबड़ तो सो uh, so, जब इस टाइप के सर्फेस से हमारा रिफ्लैक्शन होता है सो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लैक्श रिफ्लैक्शन एंड अगेन यहाँ पर देख रहे हैं सारे जो हमारे पैदल रेज हैं रिफ्लेक्टेड उन तो इस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज़ ये जो सरफ़ेस है हमारा ये स्मूथ सरफ़ेस है। The surface from which these rays are reflected are, is a smooth surface. Now moving to next that is terms related to the refraction of light which I have already explained. But again I will see। ye dekh sakte hain hamari incident ray hai The ray which strikes at the surface, reflected ray ki definition Again the ray which is reflected back।

इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल को एक ही प्लेन में लाई करते हैं मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करते हैं अब देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है हमारी इसमें क्या है दिस इज़ योर लेंथ एंड दिस इज़ योर ब्रेथ ये हमारा लेंथ है एंड ये हमारा ब्रेथ है सो so, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दो डायमेंशनस हों लाइक यहाँ पे लेंथ है एंड यहाँ पर यह हमारा ब्रेथ है सो so, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लेन तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे मैंने बनाया है ये नॉर्मल बनाया है एंड रे ये रिफ्लेक्टेड रे बनाया है तीनों हमारे एक ही प्लेन में हमने बना दिए है विच मीन्स ऑल दीज लाई इन द सेम प्लेन नो प्लेन की डेफिनेशन अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज़ कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ दो डायमेंशनस हो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा लेंथ है एंड दिस इज योर ब्रेथ सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लेन जैसे मैं बोर्ड आपका एग्जाम्पल ले लूँ बोर्ड सो बोर्ड का जो सर्फेस होता है उस वो भी कुछ जैसे हमारा मोबाइल का स्क्रीन है वैसे ही होता है अगर जो मैं एक एग्जांपल ले लूँ यू नो क्यूब क्यूब का एग्जांपल ले लूँ तो क्यूब में हमारा लेंथ भी होगा ब्रेथ भी होगा एंड कुछ हमारी हाइट भी होगी विच आई कैन नॉट शो हेयर बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन अ टू डी सरफेस सो इन चीज़ों को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स सो खैर हमें तो यहाँ पे सो सेकेंड लॉ जो हमारा था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइ इन द सेम प्लेन तो प्लेन का आई थिंक डेफिनेशन समझ आ गया था होगा आपको एनी थिंग विच हैज़ ओनली टू डायमेंशन इज कॉल्ड एज प्लेन और ये तीनों चीज़ें हमने एक ही प्लेन में बनाई हैं विच मीन्स दे लाई इन द सेम प्लेन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिर सो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर क्लास सिक्स में वो हमारा एक प्लेन मिरर है एंड दूसरा हमारा कर्व्ड मिररर है वैसे कर्व्ड मिररर के भी टाइप्स होते हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू बी गोइंग वी आर नॉट गोइंग इन सच अ डिटेल सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम्स एक हमारा प्लेन मिरर हो गया दूसरा हमारा कर्व्ड मिररर हो गया सो नाउ आप इसके बाद हम लोग क्या करेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस डिस्कस करेंगे तो इमेजेस हमारी दो टाइप्स की होती हैं पहला हमारा रियल इमेज होता है सो so, ये जो हमारा एक देख सकते हैं कर्व मिरर है कर्व मिरर का एक टाइप है कॉनकेव मिरर ये ऑब्जेक्ट है हमारी यहाँ पे इमेज है तो इस टाइप के इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं रियल इमेजेस और ये इमेजेस हमारी स्क्रीन पे इजीली ऑप्टेन करी जा सकती हैं नाउ अब दूसरा जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे जो गिवन है आपको तो ये देख सकते हैं ये हमारा वर्चुअल इमेज है ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है और ये पीछे उसका इमेज बना है सो इस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे आपका मिरर लगा हुआ है ठीक है सो मिरर के पीछे आप स्क्रीन नहीं लगा सकते और एग्जैक्टली exactly लोकेशन नहीं बता सकते सो दिस इज़ नोन एज वर्चुअल इमेज सो इसका मतलब दो चीज़ निकल के आई हमारे पास अगर जो इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हो If a screen can be placed at the point of image, then that image is called as real image. Or a screen, pe hum nahi sakte hai, then that image is called as virtual image. As uh, you can see in the uh, you know, diagram. Now we will learn some differences between real and virtual images. So real images, real image formed when light ray from an object after reflection actually meet. देख सकते हैं यहाँ से इस वाले में ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं दीज टू रेज आर इंसिडेंट जो ब्लू रेज हैं हमारी इंसिडेंट रेज हैं एंड यहाँ से इनका रिफ्लेक्शन हुआ है एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअली मीट कर रही हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा रियल इमेज अब जरा मैं वर्चुअल इमेज की बात करता हूँ सो वर्चुअल इमेज जो हम लोग देखेंगे रेज आर एक्चुअली नॉट मीटिंग ये हमारा एक प्लेन मिरर है यहाँ से लाइट रेज चली अब आगे हमारा पीछे तो हमने पॉलिश करके रखा हुआ है सो दीज लाइट रेज विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट और इस तरफ आती हैं तो ऑब्वियसली अब देख सकते हैं कि ये लाइट रेज की डिस्टेंस इधर बढ़ती जा रही है सो so ये इधर कभी नहीं मिलेंगी इस साइड दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर दीज रेज कैन नॉट मीट सो अगर जो मैं यहाँ ऑब्जर्वर हूँ तो मुझे ये लाइट रेज यहाँ से आती हुई लगेंगी या इस पॉइंट पर मिलती हुई लगेंगी सो दैट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह हमारी इंसिडेंट रहे हैं और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई हैं सो so, इनके बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है इसका मतलब इस साइड मिरर के इस साइड ये कभी नहीं मिल पाएंगी सो एज एन ऑब्जर्वर मुझे ये रे कहाँ कहाँ से आती हुई लगेंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इमेज सो so, आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली मिलती नहीं है जस्ट दे जस्ट यू नो सीम टू बी मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इमेज वर्चुअल इमेज सो so, ये हमारा जो डेफिनेशन था रियल इमेज कैन बी ऑप्टेंड ऑन द स्क्रीन वर्चुअल इमेज कांट रियल इमेज इज एन इन्वर्टेड इमेज वर्चुअल इमेज इज़ एन इरेक्ट इमेज सो दिज आर सम समिफरेंट इन्वर्टेड का मतलब ये है आई विल सी वॉट डज इन्वर्टेड मीन्स यहाँ देख सकते हैं आप इफ़ दिस इज़ द हेड ऑफ़ द ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हेड देखिए नीचे आ गया यहाँ पे हेड हमारा क्या था टॉप पे था एंड यहाँ पे हमारा हेड नीचे आ गया है सो दिस इज़ वॉट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज सेकेंड फिगर में देख सकते हैं आप ये हमारा इसका हेड है ऑब्जेक्ट का एंड वर्चुअल इमेज का भी हेड यहीं पे है सो so, यहाँ पे हमारी कैसी इमेज मिलती है इरेक्ट इमेज मिलती है सो नाउ फाइनली वी कम टू द लास्ट टॉपिक दैट इज़ यूजेज ऑफ प्लेन मिरर फॉर दिस वीडियो सो यूजेज आर प्लेन मिरर्स आर यूज इन एज कुकिंग एंड ड्रेसिंग मिरर्स ओके जो हमारा घरों में जो मिरर यूज होता है नॉर्मली वो हमारा प्लेन मिरर ही होता है ठीक है एंड ये चेहरा वगैरह देखने के लिए जो हम मिरर यूज़ करते हैं दिस इज़ ऑल्सो प्लेन मिरर, एंड जितने भी हमारे शोरूम्स में मिरर लगे होते हैं सो so वो भी हमारे कैसे होते हैं प्लेन मिरर्स होते हैं हेयर कटिंग सैलून्स में सारे हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं ओके okay. ज्वेलरी डिस्प्ले करने के लिए जो भी मिरर्स यूज़ करे जाते हैं वो भी हमारे प्लेन मिरर होते हैं ओके okay.

hoping that whatever is being told to you in this video is clear to you uh, i will shortly you know come with the second video of this chapter after second video we will move to the exercises of this particular chapter thank you very much